हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले दोस्तों बजाज की तरफ से उनकी NS 400 जो कि अपकमिंग रहने वाली है बाइक। ये बहुत जल्दी आपको 2024 के अंदर में इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। अभी के लिए दोस्तों NS 400 के कोई भी लॉन्च डेट जो है सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन कुछ अपडेट जो है निकल के सामने आए हैं कि इसमें जो है आपको इंजन कैसा मिल सकता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों NS 400 के इंजन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको इंजन देखने को मिलेगा वो ड्यूक 390 2023 वाला मॉडल आपको देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस KTM का मॉडल रहा है। ड्यूक 390 वाला पुरानी बाइक जो KTM की रही है, वही वाला इंजन जो है अब आपको यहाँ पे NS 400 में देखने को मिलेगा। यानी कि बजाज जो है इसमें आपको ड्यूक 390 पुराने वाला इंजन जो है देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इस इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 373 सीसी का इंजन जो है आपको देखने को मिल सकता है। लिक्विड कूल इंजन रहेगा और 14 पीएस की पावर और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है आपको देखने को मिल सकता है। 5 स्पीड की गेयरबॉक्स जो है यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बजाज डोमिनार जो कि 400 में ऑलरेडी आती है, वो वाला इंजन जो है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कंपनी जो है आपको नया नेकेड सेगमेंट का जो KTM Duke 390 के अंदर जो पॉपुलर इंजन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कंपनी जो है आपको इसके प्राइस भी अभी जो करंटली Duke 390 आ रही है 2024 मॉडल उससे नीचे ही आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राइस की बात करूँ तो NS 400 का जो प्राइस रहेगा वो 2 लाख से ऊपर ही आपको देखने को मिल सकता है। अभी के लिए दोस्तों इस बाइक के जितने भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जितने भी फीचर है ABS वगैरह, डिजिटल कंसोल, ये सारे फीचर जो है आपको वैसे ही सेम देखने को मिल सकते हैं जो कि NS 200 और NS 160 में देखने को मिलते थे। वैसे ही कुछ जो है आपको डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, जो इसका मीटर कंसोल है वही आपको सेम देखने को मिलेगा जो NS 200 में देखने को मिलता था, वही आपको सेम जो है डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल सकता है। ABS की कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारे फीचर जो है आपको सेम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो बाइक है ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में ही देखने को मिलेगी, जो है इसके प्राइस ऊपर नहीं जाने वाले। बजाज जो है अपने प्राइस को लेके काफ़ी जो है सेंसिटिव रहता है, तो उनकी जो है बाइक जितनी भी आती है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगी इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आने वाले टाइम में आपको एक से एक जो है बाइक अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।